पाए जाते हैं। वेनेजुएला देखिए, कहीं कहीं की जलवायु ऐसे होती है, अब जैसे केनिया उनिया में पूरा भयानक काला काला मंगरेला की तरह आदमी होगा तो उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। गोरापन कहीं ना कहीं सुंदरता को इंक्रीज करता है, ये मतलब एक वेस्टर्न ये एक मान्यता चलती आ रही है। हालांकि साउथ अफ्रीका वगैरह एरिया में ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, काले ही होते हैं। तो ये जगह है वेनेजुएला, यहाँ सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी यहीं से आती है, सुंदरता ज्यादा है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई भी यहीं है वेनेजुएला में। तो सुंदरी और महंगाई देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप लोग भी सोच लीजिएगा, अगर बजट ज्यादा है तबे सुंदरी और नहीं तो अफ्रीका ठीक है। कम बजट है तो क्या सही है, अफ्रीका तो, और अगर बजट ज्यादा है तो वेनेजुएला का। वेनेजुएला में 2.5% महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है, भारत में 10% महंगाई है। उसमें 10,000% वहां पे महंगाई है, 10,000% और भारत में 10%। अभी इस साल 12% हुई है महंगाई, 12 से 14% की, आप अंदाजा ऐसे लगाइए। हम लोग जिस ब्रेड को 12 रुपए में खरीदते हैं ना, छोटा सा ब्रेड आता है 12 रुपए का छोटा ब्रेड, उसको वेनेजुएला में खरीदने में 2.5 लाख से ज्यादा रुपए लगते हैं, 2.5 लाख से ज्यादा लगता है ब्रेड में। ब्रेड में उसमें एक कप आप चाय पीजिएगा तो कम से कम 2 लाख रुपया लगेगा, एक कप चाय में 2 लाख रुपया, इतनी महंगाई है वहां पर। सबसे बड़ी गलती वहां के प्रेसिडेंट होचू ने ऐसा किया कि नोट छाप के गरीबी दूर करने की कोशिश की। ये सबसे खतरनाक चीज होता है नोट इकोनॉमी में, नोट छाप के गरीबी दूर ही नहीं की जा सकती है। हालांकि इकोनॉमिक्स के बैच में हम इसको पढ़ाएंगे, जिनको पहले पढ़ा दिए हैं उनको पता होगा कि नोट छापना सबसे रिस्की चीज होता है, क्योंकि हर इंसान काम करता है पैसों के लिए कहीं ना कहीं, हर इंसान। आप ही बताइए, आप नौकरी लेना आपके लिए जरूरी है लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे सैलरी छुपा हुआ है। बिना सैलरी नौकरी कीजिएगा लोग तो आगे दे देगा आदमी, तो अब ये मिल जाएगा। कौन कह रहा है दीजिए, कल से आई कार्ड चेक करना सब लड़की का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पैसा मायने रखता है इंसान को, अपनी जरूरत और शौक दोनों पूरा करने के लिए, दोनों पैसे से ही पूरा होता है। तो ये क्या होता है कि नोट जब छाप देते हैं और सबके पास पहुंच जाता है तो सबके पास पैसे आने लगते हैं, सबके पास पैसे आ जाएंगे, तब इंसान जो है कम पैसों के लिए काम नहीं करेगा। सपोज कीजिए कि एक रिक्शा वाला 20 रुपए से 30 रुपए लेता है और आपको एक जगह छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास उस 20 रुपए की वैल्यू है। इसका मतलब है कि उसके पास बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 10,000, 20,000, 30,000 बैकअप में यही होगा उस बेचारे के पास, तभी वो 20 रुपए के लिए भी वर्क कर रहा है। किसी के अकाउंट में अगर मान के चलिए 10 लाख रुपया है तो 20 रुपए का रिक्शा नहीं चलाएगा, वो बैठिए आपको छोड़ देते हैं, 20, 25, 30, 50 जैसा लेता है दूरी के हिसाब से। अब बताइए जो कहा गया था कि 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएगा, जिस रिक्शे वाले के अकाउंट में 15 लाख रुपया है आपको 20 रुपया में आपके घर छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस अब सबके पास है, आप ही कहेंगे कौन सी 20 रुपया रखा है। अब आप बताइए, आप ही के जेब में अगर 15 लाख रुपया आ जाए तो चाय पीजिएगा तो उसको 100 रुपया दीजिएगा, छुट्टा नहीं रख ले नहीं समझे। और अगर आप ही जैसे सबके पास अगर आ जाए सबके पास, तो चाय वाला के पास भी आ जाएगा तो वापस 100 रुपया दे देगा, हमारा गरीब समझ लो क्या है, 500 रुपया तो चाहिए क्या हुआ। तो वो भी रेट बढ़ा देगा, कभी भी प्राइस को ना बहुत ज्यादा, मतलब पैसा छापना सबसे बड़ा गलती है। और ये गलती किसने किया था, वेनेजुएला ने किया। इसलिए पैसा को नहीं रखना चाहिए, मार्केट में पैसा आया तो बहुत डिस्टर्ब करेगा, इसलिए सरकार चाहती है आपके पास पैसा रहे और फिर चाहती है खींच ले। आपको ऐसा ऐसा काम करेगी जिसका कोई हद नहीं, इनकम टैक्स लगाएगी। इनकम टैक्स कहता है कि आपके पास अगर पैसा जितना बच गया साल में खर्चा वर्चा करने के बाद जितना बच गया, उसका हुमच के 30% निकाल लेंगे, समझाया, पैसा बचेगा। अब मान के चलिए हमारे पास 100 रुपया बचा तो कितना निकाल लेगा, 30 रुपया, 1 लाख बचा 30,000, 1 करोड़ बचा 30 लाख। 100 रुपया में नहीं समझ में आ रहा था,
हम करोड़ में आया तो सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे ऐसा पैसा निकालेंगे। गवर्नमेंट चाहती है तू खर्चा कर, जितना खर्चा करेंगे सामने वाले को क्या मिलेगा, रोजगार। और जिसके जेब में पैसा रहता है वो देश को वेनेजुएला बना देगा। इसलिए सरकार LIC वालों को छोड़ती है बॉन्ड पेपर, और ये सबसे बड़ा बेवकूफी होता है। वो आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप हमको 10 लाख रुपया दे दें, इसको हम आपको 10 साल के बाद, कितने साल बाद, 10 साल के बाद, अब सिंपल सा 10 साल बाद दोगुना हो ही जाएगा, 10% का ब्याज देगा। अगर 10% का ब्याज देता है तो 10 साल में 10-10 करके 100% हो जाएगा, 100% का मतलब दोगुना हो जाता है। तो 10 साल के बाद वो आपको कितना दे देगा, 20 लाख। आपको ये लगता है, ये लगता है कि हमारा पैसा बढ़ा दिया, जबकि वो गलत बात है। हर साल महंगाई भी 10% बढ़ जाती है। अतः जो चीज आज 10 लाख में मिल रहा है, 10 साल बाद वही चीज वह 20 लाख में मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ गया कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो कम इनकम वाले हैं वो बचा नहीं पाते हैं, तो यहां रख देने से एक बचाने का बहाना मिल जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। आप खुद से सोच के देखिए, अगर आपको कोई कहे कि आज 1 लाख दो और 2032 में तुम हमसे 2 लाख लेना, डबल कर दिया, आपको लगेगा डबल करता है। अब इसी चीज को आप पीछे जाके देखिए, अगर कोई आपसे सन 2000 में 1 लाख रुपया लिया रहता और कहता है कि हमारे पास 20 साल छोड़ दो हम तिगुना कर देंगे, तो सन 2000 में अगर आप उसको 1 लाख रुपया दिए होते तो अभी 2020 में मान के चलिए कितना देता वो, 3 लाख, एक के जगह कितना देता, 3 लाख। आपको लगेगा कि फायदा है, तो पूरा लॉस लगा के चल गया आप। 2000 में 1 लाख जिसके पास है चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत ससुरा। अरे भैया, इस टाइप का जो कोट होता था ना स्कूल में पहनने के लिए, हम लोग के समय में 150 रुपया का बिकता था, 3 रुपया का बाल कटवाते थे लोग, 20 रुपया का पैंट शर्ट सिलवा लेते थे। आज ससुरा 20 रुपया का रुमाल नहीं दे रहा है, 3 रुपया में बाल काटने जाइएगा तो नोच लेगा बलवा, कहेगा हो गया, 3 रुपया में हो गया है, नोच के भेज देगा। तो इतनी भयानक महंगाई बढ़ गई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारा काम किसके लिए है, सरकार जानबूझ के करती है, पब्लिक को इसे बताते रहते। एक बार एक बैंक वाला हमारे पास आ गया, कहा कि सर प्लान है, आप इतना दीजिएगा 10 साल में इतना कर देंगे। हम कहे वाह, तू अब मगरमच्छ को तैरना सिखाओ, कांग्रेस क्यों ना लगाओ। सर आप तो सब जानते हैं, कांग्रेस क्यों ना लगाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन छोटे इनकम वालों के लिए ये अच्छा चीज होता है, क्योंकि वो पैसे को बचा नहीं पाते। और LIC वाला, LIC के एजेंट सबको ट्रेनिंग ही ऐसा होता है, अगर आप उससे 10 मिनट बात कर लीजिएगा तो आपको लगने लगेगा कि जीने से ज्यादा फायदा मरने में है। ऐसा बातें करेगा ना जिसका कोई हद नहीं। तो वेनेजुएला में महंगाई कितना, बहुत महंगा है, वेनेजुएला का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ का नोट आता है 1 लाख का, 1 लाख का एक नोट, कोई वैल्यू नहीं, वहां सड़क पे लोग पैसा फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने नोट छाप के पैसा। तो मोदी जी को भी लगा था 15-15 लाख यूं ही आ जाएंगे, जब वहां बैठे प्रधानमंत्री कुर्सी पे तो IAS अधिकारी सचिव रहता है, क्या महाराज खान सर का फाउंडेशन नहीं देखे क्या, कहा ना देखे तो दिखाया, तो कहे कि ना 15 लाख किसी को नहीं जाएगा। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।